हेलो, कैसे हो आप सारे? वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं विक्की सिंह, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन। और आज इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है तो ऐसे ही फ़ोन से ही वीडियो बना रहा हूँ। पर एक टॉपिक है मेरे पास जो कि काफ़ी बर्निंग टॉपिक है, मैं काफ़ी सालों से सुनता हुआ आ रहा हूँ, तो सोचा उसको वीडियो से शेयर करूँ। कई लोग बोलते हैं कि एग इज वेजिटेरियन, कई लोग वेजिटेरियन बताकर एग को खाते हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो मानते हों कि एग वेजिटेरियन फूड सोर्स के अंदर आता है, और ज़्यादातर आप में से लोग वो होंगे जो कहते हैं नहीं, ठीक। कौन गलत है कौन सही है, इसका डिसीज़न हम लेंगे कुछ फैक्ट्स पे। तो मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। कोई मैं डिसीज़न नहीं दूंगा आपको, डिसीज़न आपके ऊपर। पहला, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड सोर्सेज जो हैं, उन दोनों का जो रिसोर्स है मतलब, तो वो आते कहाँ से हैं? तो एक एनिमल से मिलता है आपको और एक प्लांट से। दोनों में लाइफ है, प्लांट भी लिविंग हैं और एनिमल्स भी लिविंग हैं, ठीक। दूसरी, हर चीज़ सेल से बनी होती है। अगर आप में से कुछ लोग को जानकारी है जिसे कोशिका बोलते हैं, तो हर चीज़ सेल से बनी होती है, ठीक है। तो लेकिन हम प्लांट बॉडी की बात करें, वो भी सेल से मिलकर बनी। उसके अंदर दो मेन सेल्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, आपने देखे होंगे। बाकी कैम्बियम वगैरह उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इंसान जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता उसका, क्योंकि उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं करता, हार्ट नहीं होता, लेकिन उसके अंदर वाटर फ्लो करता है, फूड फ्लो करता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सेल स्ट्रक्चर उसके पास भी है। तो आपने शायद पढ़ा भी होगा एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, ठीक है। तो एक डाउट यहाँ पर क्लियर होगा। तो दोनों चीज़ें सेल से बल्कि बनी होती हैं, दोनों के अंदर लाइफ होती है, ठीक। अगर मैंने कोई प्लांट लेकर खाया, जैसे साग खाया, ठीक है, तो उसके अंदर भी लाइफ है। और बाकी अगर मैंने कोई क्या बोलते हैं, कोई एनिमल खाया, या एनिमल का कोई सोर्स खाया, उसका मीट खाया, अंडा खाया, उसके अंदर भी लाइफ है, ठीक। अब फैक्ट यहाँ पर ये आता है कि भाई अंडा जो है उसके अंदर लाइफ तो नहीं है, क्योंकि तो उसमें अभी तक तो किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। जैसे कि जो प्रोसीजर होता है उसके बाद उस अंडे के अंदर से चूज़ा निकलता है, बच्चा निकलता है, मतलब तो वो प्रोसीजर तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसका मतलब वो तो लिविंग है ही नहीं, तो फिर तो वेजिटेरियन हो गया। तो देखो, लाइफ है नहीं है, ये फैक्ट तो मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया कि हम चाहे वेजिटेरियन खाएं चाहे नॉन वेजिटेरियन खाएं, लाइफ दोनों के अंदर है। अगर आप वेजिटेरियन खाकर ये सोचते हैं कि आप किसी की लाइफ नहीं कंज्यूम कर रहे, तो आपकी थिंकिंग गलत है। अपनी थिंकिंग को ठीक कीजिए, आप प्लांट की लाइफ ले रहे हैं। आपने बोला कि यार मैं तो फ्रूट खा लूँगा, उससे प्लांट तो किल नहीं होगा। आ तो आप अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए कि आप पूरे दिन सिर्फ प्लांट का, सिर्फ फ्रूट खाकर चलता है आपका काम, कि आप कटे हुए प्लांट्स नहीं खाते? यानी कितने सारे प्लांट सोर्सेज हम डेली खा जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात वैसे ही ख़त्म कर दीजिए। जब फसलों की कटाई होती है तो उसके अंदर पूरी फसलें काटी जाती है ना, पूरा पेड़ जड़ से हटाया जाता है ना, क्या वो मरता नहीं फिर? सोचो इस बारे में। तो लाइफ आप दोनों तरह से कंज्यूम कर रहे हो, नॉन वेजिटेरियन में भी, वेजिटेरियन में भी, ठीक। बस दोनों के अंदर अंतर ये होता है कि वेजिटेरियन फूड सोर्स के जो हम जहाँ से लेते हैं उसके अंदर इमोशंस नहीं होते, इमोशंस नहीं होते। मतलब हो सकता है वो पेन फील करता हो, हमको नहीं पता कि पेड़ कॉन्शियसनेस फील करता है या नहीं करता, पर हाँ एक पौधा है, कुछ प्लांट्स हैं जो कि कॉन्शियसनेस दिखाते हैं आपको, अगर आप उन्हें छुओ तो वो इमोशंस भी दिखाते हैं। जैसे कि छुई मुई का पौधा, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि उसको जब टच करते हैं तो उसकी वो जो पत्तियाँ होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं, ठीक। तो उसके अंदर समझ लो कि इमोशंस नहीं हैं। ज़्यादातर पेड़ों पे आप ये मान लो कि इसके अंदर इमोशंस नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर जानवरों के अंदर इमोशंस हैं। तो वो फूड सोर्स जिसके अंदर इमोशन है, जब उसे हम खाते हैं तो हम उसे नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमसे ज़्यादा क्लोज है, जो ह्यूमन जैसी है, तो वो नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी के अंदर चली जाती है। जैसे कि जो एनिमल्स हैं वो हमसे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमारे जैसे इमोशंस हैं। शायद वो हम जैसा बोल नहीं सकते, लेकिन वो महसूस कर सकते हैं, इमोशंस दिखा सकते हैं, दुख सुख प्रकट कर सकते हैं, तो वो वेजिटेरियन नहीं, नॉन वेजिटेरियन फूड कैटेगरी के अंदर आ जाता है। बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब बात आती है अंडे की। अंडे में तो कोई इमोशन नहीं है, लेकिन वो सेल से मिलकर बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल। और अगर हम उसे टाइम दें तो वो सेल ग्रो करेगी, और ग्रो करने के बाद
सच में एक लाइफ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। और जो सेल उस अंडे के अंदर है वो भी लिविंग है, लिविंग सेल है, वर्किंग सेल है, ठीक, वर्किंग कोशिका है। तो वो उसके अंदर इमोशंस तो नहीं हैं, लेकिन इमोशंस पैदा होंगे। तो आपने एक लाइफ को तब मारा जब वो पैदा भी नहीं हुई। ये बिल्कुल ऐसा है जब आप, जिसे आप फीटिसाइड बोलते हैं, मतलब बच्चे को पैदा होने से पहले गर्भ में मार देना, बिल्कुल अंडा खाने के बराबर है। मैं नहीं कह रहा वो पाप है या मतलब अंडा खाना उस पाप के जितना बड़ा है या उस पाप के जैसा है, लेकिन अंडा एक नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्स है। मेरा कंक्लूजन ये है। बाकी फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, यही मेन फैक्ट्स होते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग अभी तक नहीं जानते होंगे कि नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियंस को कंपेयर कैसे किया जाता है, दोनों फूड सोर्सेस होते हैं। तो मैंने मेन फैक्टर बता दिया कि हम इमोशंस देखते हैं, लाइफ तो दोनों के अंदर ही है, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, आप सोचिए और समझिए क्या एग वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, ठीक। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया हो या मैंने कोई गलती की हो इस वीडियो के अंदर, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन आपके लिए फ्री है, आप कुछ भी उसके अंदर लिख सकते हैं, वीडियो के लिए सजेशन दे सकते हैं, मेरे लिए सजेशन दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, डाइट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करें, देख कर सीधा निकले ना। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर जाएं, पर कम से कम एक रिस्पॉन्स देकर जाएं, ताकि मुझे पता चले कि मुझे वीडियो लॉगिंग करनी है या नहीं करनी नेक्स्ट टाइम से, ठीक। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत कमाल के लोग हो। और वो लोग जो नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वेट ना करें, नीचे सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरी फैमिली बड़ी होगी, एक हेल्दी फैमिली का पार्ट बनेंगे और मेरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। हर बार मैं कुछ नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ इस तरह की इन्फॉर्मेशन। आप चाहें तो आप भी अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। और टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, गुड नाइट।